हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांटिंग विद आद्या। आज मैं आप लोगों को सम्मी के पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए इस पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, इसी वजह से मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है सम्मी के पौधे के लिए। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, न्यू लीव आ रही है, न्यू फ्लावरिंग हो रही है, और इस वक्त अगर आप इसकी बहुत अच्छी से केयरिंग कर देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी। देखिए ये बहुत पुराना पौधा है, तकरीबन 3 साल पुराना पौधा है। इसको मैंने बड़े पॉट में ग्रो किया है, शुरू में छोटे पॉट में था, इसको फिर ट्रांसफर कर दिया बड़े पॉट में, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी गई है। इसके स्टेम्स देखिए बहुत मोटे हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना पौधा है ये। और ये देखिए इसकी ग्रोथ, इसके सूखने से बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं घबराना है। देखिए 2 महीना पहले थोड़ा सा सूख चला था क्योंकि गर्मी का सीज़न था, और इसको मैंने बहुत अच्छे से केयर किया। इसमें मैंने फर्टिलाइज़र मिलाया जो कि था वर्मी का और गाय का पुराना खाद, जैसे गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो खाद बन जाता है, उसको मैंने मिलाया था इसमें। देखिए इसमें उसके बाद कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई है और न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। लीव्स देखिए न्यू न्यू आ रही हैं, इस पर बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आया उसका। और मैंने बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा में कोई भी खाद नहीं मिलाया, बस मैंने मिट्टी जो है आधे उसमें की मिट्टी निकाल करके और नई नई मिट्टी उसमें डाल दी थी, तकरीबन इसकी आधी मिट्टी निकाल करके और उसमें नई मिट्टी मिला करके उसमें खाद मिला करके और वापस इसमें डाल दिया। देखिए इसकी फ्लावरिंग ग्रोथ बहुत मस्त आई है। आप लोग भी इस टिप को अपनाइए, आपके भी समय के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी और इस टिप से आप लोग को बहुत फ़ायदा मिल रहा हो जाएगा। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला, इस वजह से मैंने